हेलो फ्रेंड, जय माता दी। आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। तो इसी उपलक्ष्य पे हम भी आज एक नई कॉलोनी में जा रहे हैं कीर्तन करने के लिए। वहां पे गृह प्रवेश का प्रोग्राम है और ये मेरी बहन, छोटी बहन संगीता, संगीता सखी ये है। तो आज थोड़ा थकी थकी सी है, इतने दिनों से थक भी गई है कीर्तन गाते गाते। और बाकी की अभी सखियों को फिर दिखाती हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आप सभी को कार्तिक महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं बधाइयां। कल से तो कार्तिक कथा भी शुरू हो जाएगी, तो आप मेरे साथ सुबह सुबह जिसको कार्तिक कथा सुननी है तो सुबह 5 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए। अगर लाइव नहीं भी जुड़ोगे तो मैं वीडियो के माध्यम से आपके पास कथा को पहुंचा दूंगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जय माता दी। तो आज फिर से हम एक नई कॉलोनी में गृह प्रवेश का प्रोग्राम है, वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए, आज सब अपनी न्यू ड्रेस में। तो दीदी, आज भी देर क्यों करी आपने, ये बताओ। आज नहीं, आज बहन मैंने देर नहीं करी। क्या हुआ कि मेरी दूसरी बहन है ना बड़ी, वो सो रखी थी। अब उसको मैंने फोन किया, उसने मेरे फोन का ध्यान ही नहीं दिया। कहने लगी हाँ मैंने रिक्शा कर रखा है। अच्छा, ये कल मेरी वजह से थोड़ा सा मेरी मिस्टेक हो गई थी तो देर हो गई। आज इन्होंने मेरे से बदला ले लिया बहन। कोई बात नहीं, कभी 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 ऐसा भी होता है। कोई नहीं, आज वैसे भी हमने पास में जाना, ज्यादा दूर नहीं जाना है। और अनीता बहन कुछ कहोगी आप? तो इसके बाद तो शायद आराम ही है आप तब तक। चलो, कितने 12-13 दिन तक खूब गाए। और इस बहन के तो हाथों को माता रानी मैं तो कह रही हूँ, इतनी ताकत हुए आज तक। फौलाद बनाए, फौलाद। 4 घंटे ये ढोलक बजाती थी, अब इसको ऐसी ताकत मिले कि 8 घंटा नॉन स्टॉप बजाए। और कल ये बहन नहीं आई थी, आज ठीक है तबियत? बढ़िया। जय माता दी। जय माता दी। कोई बात नहीं, चलो, तबियत खराब हो रही थी तो। और हमारी ये दीदी सामने, तो ये देखिए फ्रेंड, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं सामने। इन्होंने नया घर बना रखा है, गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में कीर्तन है। तो अभी छत में सारी सखियाँ अभी दरबार सजा रही हैं। और ये देखिए सामने का नज़ारा बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे सभी तैयारी पर लगी हुई हैं बहनें, सभी छत में प्रोग्राम कर रखा है इन्होंने। बहुत खुली खुली जगह भी है। तो अब मैं यहाँ पे ये जो अखंड जोत है इसकी थाल को मैं ऊपर रख रही हूँ। इसको फूलों से, फलों से, सुंदर से पत्तों से सजाया है, आम के पत्तों से या अशोक के पत्तों से जोत उसमें रख दी गई है। अब ये देखिए मैं वहाँ पे फिर से उसमें फूल लगा रही हूँ और बाकी की सभी लगी हैं। और ये दीदी भी है, वीडियो बनाती, वो भी अपनी वीडियो बनाने पर लगी हुई है। बहुत सुंदर दरबार सज चुका है माता रानी का। और ये फूल भी चुन दिए हैं। और उधर से दीदी कह रही कि मेरी वीडियो में भी देख। और इधर ये बहन जो सामने खड़ी है, इन्हीं के घर में आज कीर्तन है गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में। और सब तैयार हो गए हैं और माता का दरबार सजा दिया गया है। और थोड़ी ही देर में हम यहाँ पर कीर्तन शुरू कर देंगे। अब देवं शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदां शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर् नमस्तुते। जय हो ज्योतं वति माता तेरी सदाई जय। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सद्गुरु भगवान की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गोविंद लुब्ध मदपाया लोल गंडे स्थूलं दांताघात विदारिता गरीरीधिरे सिन्दूर शोभाकरं वंदे शैल सुता सुतं तस्य सर्व सिद्धिकरं परम। विद्यार्थी लभ्यते विद्यां, धनार्थी लभ्यते धनं, पुत्रार्थी लभ्यते पुत्रमो।
राधे।